हेलो दोस्तों दोस्तों मेरे पास एक 32 इंची का एलईडी टीवी आया है। इस टीवी में प्रॉब्लम है कि ये टीवी नो डिस्प्ले में हो गया है। देखिए दोस्तों, नो डिस्प्ले हो गया है, इसका कोई पिक्चर नहीं बन रहा है, लेकिन बैकलाइट ओके है। इसका जो मदरबोर्ड का नंबर है T.R83.816। इसका जो कि LVDS केबल आता है वो HD रेडी का है, जो कि 5 पेयर में आता है, और वो LVDS आकार यहाँ पर जो पेयर आता है 5 पेयर, जो कि RXTX कहला जाता है, वो इस रेजिस्टेंस के थ्रू इस कॉप में जाता है। इस एलईडी का स्केलर बोर्ड का नंबर है ये। देखिए दोस्तों, ये स्केलर बोर्ड का नंबर है। ये एप्रोम कह जाता है, स्केलर बोर्ड का एप्रोम। और ये जो आईसी है SM4186। देखिए दोस्तों, अक्सर ये आईसी वाला जो स्केलर है, जो कि एक स्केलर में जो कि वन सिंगल कॉप कहला जाता है, जो कि तो इस टीवी में बहुत ज़्यादा फॉल्ट आता है। डिस्प्ले वाला फॉल्ट बहुत ही ज़्यादा आती है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका जो स्केलर बोर्ड है वो स्केलर बोर्ड का सारे वोल्टेज हमें मापना है बारीकी से। पहले हमें कौन सी वोल्टेज चेक कर लेना है, मीटर को दे देता हूँ। तो पहले हमें टीवी को लाइन पर देना है। ये देखिए, मैंने लाइन दे दिया है। इसका जो स्टैंड बाई है, मैंने देखिए स्टैंड बाई को मैंने रिलीज कर लिया है। इसका बैकलाइट जो जल रहा है आप लोग देख सकते हैं, देख सकते हैं। हमें पहले जो वोल्टेज है, इसका सप्लाई वोल्टेज जो कि 12 वोल्टेज है, इस पैनल का सप्लाई वोल्टेज 12 है। देखिए दोस्तों, 12 आ गया है। अब हमें देखना है कि इस आईसी का जो 3.3 सप्लाई, 1.8 सप्लाई, जो भी सप्लाई है, पहले 3.3 फिर 1.8 सही है कि नहीं देखना पड़ेगा। दोस्तों आप देख सकते हैं, हमारा जो 1.8 वो ठीक है। 3.3 जो है, देख सकते हैं, 3.3 का पिन यही है। देखिए दोस्तों, 3.3 भी सही है। अब देखना पड़ेगा कि इसका जो बूस्ट वोल्टेज है वो सब सही है कि नहीं। तो पहले देखते हैं AVDD। AVDD वोल्टेज जब जाएगा, फर्स्ट ये आईसी में AVDD जाएगा। AVDD जाने के बाद आपका VGH, VGL जो बूस्ट वोल्टेज है वो आएगा। तो AVDD हमें नहीं मिल रहा है, AVDD नहीं मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर जो VGH है, जो यहाँ पर V1 लिखा है दोस्तों, आप देख सकते हैं,
V1 लिखा है वो भी हमें वोल्टेज नहीं मिल रहा है, आपको दिखाना भूल गया है। देखिए दोस्तों ये वोल्टेज VGH वोल्टेज भी नहीं है। तो दोस्तों अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस स्केलर का जो भी PF है, ये PF ये जितने सारे PF है यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने सारे PF है वो आपको लाइन टीवी का लाइन बंद करके आपको मीटर को बर्जर रेंज पे रख के आपको टेस्ट करना है कि कोई PF वगैरह शॉर्ट है कि नहीं है, आपको देखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए मैं पहले देख लेता हूँ, कैमरे को ज़रा पॉज करना पड़ेगा क्योंकि मेरे हाथ एक हाथ में कैमरा और एक हाथ में मीटर है, तो कैमरे का वो मैं ज़रा टेस्टिंग करके आपको फिर से बताता हूँ। दोस्तों हमें, मैंने जो बोला था कि बारीकी से चेक करके बताऊंगा, दोस्तों मैंने मीटर से सारी जो PF है उसे चेक कर लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शॉर्टिंग वॉटिंग कुछ नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मीटर को माइनस पे रख के आपका जो रेड वाली वायर है मीटर का वो ABDD पे रखना है। ABDD के रखने के बाद आपको इस LED का जो पार है वो निकालना पड़ेगा। पहले भूल गया था मैं बोलना, ABDD के रखने के बाद आपको पावर देना है मीटर DC रेंज में रख के। देखिए दोस्तों मैंने मीटर के रेड वायर को ABDD पर रख लिया है, उसके बाद हमें सेट को स्टैंड बाय ऑन करना है। स्टैंड बाय ऑन करने के बाद आपको फॉलो करना है कि आपका वोल्टेज अगर एक बार आके एक सेकेंड में आके अगर चला गया तो सोच लीजिए कि आपका जो DC to DC IC है वो एकदम सही है। तो चलिए देखते हैं, देखिए दोस्तों आपने तो देखा होगा कि मैं जब सेट को ऑन किया था मीटर पे एक सेकेंड में आकर वोल्टेज चला गया। तो इससे क्या पता चलता है दोस्तों, हमारा जो DC to DC IC है वो एकदम सही है। ये प्रॉब्लम अब चला जाता है इस स्कोप का, जो कि पैनल का इश्यू आता है। दोस्तों ये प्रॉब्लम अब CKB कट करने से ये पैनल 90% रिपेयर हो जाता है। 90% रिपेयर तो हो जाती है लेकिन कितने दिन चलेगा ये कोई नहीं बता सकता। CKB लाइन को कट कहाँ से करना है जो मैं बताता हूँ। देखिए दोस्तों ये जो पैनल है, इस पैनल में 13 से 18 तक आपको काट करना है, 13 से 18 तक आपको कैसे गिनती करेंगे,
देखिए दोस्तों, यहाँ से जो एक लाइन है, यहाँ से जो एक ट्रैक दिखाई रहा है, दिख रहा है आपको, यह है एक नंबर। अब चलिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, देखिए ये 18 है। अब दोस्तों ये 18 है, आपको यहाँ से 13 तक जाना है, 13 से 18 तक आपको काटना है। ठीक वैसे ही आपको यहाँ से गिनती करना है, जूम करके दिखाता हूँ मैं दोस्तों, देखिए आपको यहाँ से गिनती करना है, ये एक दो तीन चार पाँच, ये करके गिनती करना है आपको, 13 से 18 तक आपको कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, कटिंग करने के लिए पहले आपको ये ब्लेड लेना है। ये ब्लेड आपको मेडिसिन के दुकान पर मिल जाएंगे, देखिए ये ब्लेड आपको लेना है। फिर इस जगह को साफ करना है, जो कि आपको सोल्डर करने में आसानी से हो जाए। दोस्तों मैंने साफ कर लिया है, अब हमें कटिंग करना है। देखिए दोस्तों, पहले मैंने इस साइड कट किया था, इस साइड कट करने के बाद हमारे यहाँ एबीडीटी वीजीएच वीजीएल जितने सारे वोल्टेज थी वो बूस्ट नहीं हो रही थी, तब भी शॉर्ट दिखा रहा था। तो मैंने इस साइड छोड़कर मैंने इस साइड कटिंग की। इस साइड कटिंग करने के बाद मेरा जो वोल्टेज है यहाँ पर एबीडीटी वीजीएच वीजीएल सब कुछ वोल्टेज आ गया है, दिखाता हूँ आपको, सब कुछ वोल्टेज आ गया है। पहले मीटर को रेड पर, पहले मैं वी ऑन को देख लेता हूँ। देखिए वी वन जो वोल्टेज है 32 है, V1 वोल्टेज हमारा 32 आ गया है, और ABDD जो वोल्टेज है दोस्तों, ये देखिए ABDD जो वोल्टेज है 13 आ गया है। तो दोस्तों हम सामने देखते हैं कि हमारा पिक्चर कैसे आया है। दोस्तों देखिए हमारा पिक्चर यह लाइन लाइन हो गया है। लाइन लाइन क्यों हो रहा है आपको बताता हूँ मैं, टीवी को मैं नीचे रख देता हूँ। दोस्तों देखिए लाइन लाइन होने की कारण है कि हमारा ये साइड भी सीके भी कटा हुआ है, ये साइड भी कटा हुआ है। तो मैंने ये साइड सीके भी कट करने के बाद मेरा वोल्टेज सब कुछ सही हुआ है, तो मैं पिछले आगे जो साइड कटिंग किया था, जो कि LVDS के नीचे है, उस साइड को हमें जोड़ देना है। जोड़ देने के बाद तब हमारा पिक्चर सही हो जाएगा। तो मैं चलिए जोड़ देने के बाद दिखाता हूँ आपको। देखिए दोस्तों मैंने इस तरह इस तरफ जो CKB लाइन काट किया था,
वो सारे मैंने जोड़ दिया है। जोड़ देने के बाद अभी मैं सेट को लाइन दूंगा। लाइन दे दिया है। स्टैंड बाई ऑन हो गया है। अब मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ। देखिए पिक्चर मेरा बिल्कुल सही हो गया है। पिक्चर मेरा बिल्कुल सही हो गया है। अभी मेरे पास सेट टॉप बॉक्स नहीं है, इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ वीडियो। तो दोस्तों एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो CKB कट करने के बाद सेट ज़्यादा दिन नहीं चलता है। आप अगर किसी भी सेट को CKB लाइन कट करके कस्टमर को देते हो तो कस्टमर को ज़रूर बोल देना कि ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि ये पैनल ख़राब है। तो थैंक यू दोस्तों मेरे वीडियो देखने के लिए। ऐसे छोटे छोटे जो वीडियो है मैं दिखाऊंगा आपको, उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।